तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स हर्ड। मेरा नाम है राज, नाम दोस्त नहीं है बस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या इंडिया जीत सकती है बिना विराट कोहली के। विराट कोहली जो है इस वक्त सबसे बेस्ट जो थे, चेजर थे, मानो ना मानो सबसे बेस्ट थे इंडिया में, और इनिंग बिल्डर, उनसे बढ़िया इनिंग कोई बिल्ड नहीं कर सकता था अब तक। बट अब वो इंडियन टीम में नहीं है, तो क्या इंडिया टीम जीत सकती है? तो मेरा जवाब है जीत सकती है, क्योंकि देखो 121 करोड़ में से सिर्फ 11 बंदे आते हैं इंडियन टीम में, और ये जरूरी नहीं है कि उनमें उन 11 में से सिर्फ एक ही विराट कोहली बढ़िया प्लेयर हो, बाकी जो प्लेयर है वो भी बढ़िया प्लेयर है। हालांकि वो उतना अच्छा इनिंग बिल्ड नहीं कर पाते हैं बाकी प्लेयर, बट दे ऑल आर बेस्ट प्लेयर, तो फिर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो एशिया कप में है वो है पाकिस्तान और मेरे हिसाब से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि उनका स्पिन अटैक बहुत बढ़िया है, और जिन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग हमें दिक्कत देगी, तो उनको मैं बता दूं अभी जस्ट हमारी टीम जो है वहां पे क्या कहते हैं इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से खेल के आई है, कुछ मैच जीते भी है T20 और एक टेस्ट भी जीता है, तो इतना भी कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए फास्ट बॉलिंग खेलना, और वो भी इंग्लैंड की इतनी फास्ट पिचों पे। तो अगर जब वहां पे खेल सकते हैं तो यहाँ इतना मुश्किल कैसे हो सकते हैं? यहाँ इतना मुश्किल थोड़ा ना है, क्योंकि ये पिच उतनी फास्ट नहीं है जितनी क्या कहते हैं वहां की थी। वो अलग बात है, अगर पिच पे ज्यादा घास हुई तो जरूर प्रॉब्लम देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद उतनी प्रॉब्लम ना आए। प्लस में हमारे पास है शिखर धवन, रोहित शर्मा, जो कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी दे सकते हैं, और खासकर रोहित शर्मा जब वो कैप्टनसी संभालते हैं तो तुमने देखा वो बहुत ही अच्छी जो बैटिंग करते हैं। प्लस में शिखर धवन, तुम्हें पता ही है टेस्ट में उतना अच्छा नहीं चले, बट T20 की उनकी जो फॉर्म है वो बेस्ट है इस वक्त। और साथ में अब बात आती है उसके नीचे जस्ट जाती है KL राहुल, जो कि तुमने देखा था IPL में कितनी अच्छी फॉर्म। एक चीज हमें देखनी चाहिए कि 50-50 में भी उनकी फॉर्म अच्छी है, और उन्हें विराट कोहली के बराबर समझा जाता है, वो है नहीं बट समझा जाता है क्लास के मामले में, बैटिंग कैसे करते हैं उस हिसाब से भी, और बढ़िया प्लेयर है, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्लेयर। और उसके जस्ट नीचे अगर मान लो तुम, शायद मेरे ख्याल से जहां तक अब तक सुनने में आ रहा है कि अंबाती राइडू खेल सकते हैं, तो अंबाती राइडू का मेरे को पता नहीं था, कल वाली वीडियो में डाला नहीं मैंने, अगर पता होता तो मैं जरूर बताता, क्योंकि अंबाती राइडू जो है मेरे हिसाब से होने चाहिए टीम में दिनेश कार्तिक की जगह, वो ले सकते हैं। तो अंबाती राइडू भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तुमने IPL में फॉर्म देखी, बहुत ही सही फॉर्म में आ रखे हैं। उसके बाद MS धोनी, उसके बाद हार्दिक पांड्या, तो हमारी बैटिंग में कोई कमी है नहीं, और बॉलिंग में तुम्हें पता ही है बॉलिंग में हम भी सब बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि क्योंकि विराट कोहली नहीं है, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे पास वो रन चेजर नहीं है, बट हमारे पास MS धोनी है जो कि इनिंग बिल्ड कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया इनिंग, और साथ में जो शुरुआत के लिए हमारा शिखर धवन और रोहित शर्मा है, तो मेरे हिसाब से उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस में इसका एक फायदा ये होगा कि अब यहाँ एशिया कप से हमें एक फायदा ये होने वाला है कि हमें एक नया रन चेजर, इनिंग बिल्डर मिलने वाला है, मैच विनर मिलने वाला है। शर्त लगा लो इस एशिया कप के बाद, अगर ये एशिया कप हम जीत जाते हैं तो हम जरूर कोई ना कोई होगा ऐसा नया प्लेयर, हो सकता है वो KL राहुल हो सकता है वो अंबाती राइडू हो, और जो भी है वो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस करेगा 2-3 मैचों में, और वो इंडिया में विराट कोहली के बराबर तो नहीं बट विराट कोहली जैसा हो जाएगा, और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पहुंच जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर पहुंच गया तो वो भी प्लेयर बहुत ही धांसू बन जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इंडिया जीत सकती है, प्लस हमें एक प्लेयर भी मिलेगा, विराट कोहली के यहाँ पे ना रहने का एक फायदा ही होगा। अब आती है जीतेगा कौन, इंडिया या पाकिस्तान? तो यार देखो क्रिकेट में ये कह नहीं सकते, इंडिया से अफगानिस्तान भी जीत सकती है, किस्मत की बात होती है वो, तो स्टिल क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मेरे हिसाब से इंडिया जीतनी चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी पाकिस्तान टीम में कोई कमी नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान टीम की बैटिंग बहुत ही बढ़िया है, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया है, स्पिनर में शायद उतना अच्छा नहीं है बट फास्ट बॉलर बहुत ही क्लासिकल है। मेरे हिसाब से इस वक्त जो प्रबल दावेदार है वो है एक तो इंडिया, पाकिस्तान, और इंडिया को सबसे बड़ी चुनौती जो देंगे वो है अफगानिस्तान, क्योंकि उनके स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है, और क्योंकि अभी जस्ट खेल के आई है इंग्लैंड में, तो हो सकता है कि स्पिन की उतनी आदत ना रही, और वैसे भी इंग्लैंड में भी देखा था कि जैसे आदिल रशीद हो गया, मोइन अली हो गया, ये सब उनको परेशान कर रहे, तो हो सकता है स्पिन थोड़ी सी प्रॉब्लम दे, बाकी हमारे पास प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडिया विराट कोहली के बिना जीत नहीं सकती। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, क्योंकि अब से ऐसी तुम्हें वीडियो मिलती रही, कोशिश करूंगा लगभग हर दिन तुम्हें वीडियो मिलेगी जब तक ये चल रहा है, मतलब मैच वगैरह, तो थोड़ी मोटी ये वाली बीच बीच में तुम्हें ट्यूटोरियल कवर ड्राइव वगैरह जो भी है वो भी दूंगा मैं, ये मैं सोचना कि वो नहीं आएंगे, बाकी तुम्हारा मेरा काम है वीडियो बनाना, तुम्हारा काम है शेयर करना, तो प्लीज इस वीडियो को भी शेयर करो, और साथ में भाइयों सब्सक्राइब कर दो, 50,000 के हम बहुत पास है, 50,000 पे पहुंचने वाले हैं, अगर 50,000 पे जाना है तो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।